हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी। तो स्टॉक स्टोरीज के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। बात आजकल फ्यूचर ऑप्शंस की चल रही है और बड़ा मैं देख रहा हूँ लोग एंजॉय कर रहे हैं नई नई चीज़ें सीख के। तो भाई फ्यूचर्स के बारे में थोड़ी सी बात और करनी है, देन हम आज ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस जरूर कर देंगे। देखिए जी, हम बेसिक फ्यूचर में ये देख रहे थे कि भाई अगर आपको फ्यूचर में पोजिशन बनानी है, आप बाय या सेल कोई भी पोजिशन बना सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द फ्यूचर पोजिशन मार्जिन ब्लॉक करना पड़ेगा। कहता है जो मार्जिन ब्लॉक हो जाता है आपका, उसको हम इनिशियल मार्जिन कहते हैं, शुरुआती मार्जिन। इनिशियल मार्जिन इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, एक होता है स्पैन मार्जिन एंड एक्सपोजर मार्जिन। अब इनिशियल मार्जिन में दो हिस्से हैं, एक ये स्पैन वाला और एक है जी आपका एक्सपोजर वाला। अब जब आप लोग जीरो धा पे या अप स्टॉक पे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं एकदम से ही, कुछ बच्चे अपने दोस्त ट्रेड करना की जल्दी में है और शुरू भी हो गए हैं, कुछ चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही है। देखो मैं आपका डीमैट और ट्रेडिंग पे भी एक वीडियो लाने वाला हूँ शॉर्टली। मेरा कहने का मतलब ये था कि यार पहले फ्यूचर ऑप्शन तक सीख लो फिर ये बातें करें। तो जब आप उन पोर्टल्स पे जाते हैं वहाँ ऐसे वर्ड्स लिख के आ जाते हैं, स्पैन मार्जिन एक्सपोजर मार्जिन, तो आप घबराने लग जाते हैं कि इतना पैसा किस नाम पे रख लिया, ये क्या होता है। तो पहले सीखो ना ये क्या होता है। अब जैसे वो कह रहे हैं जो इनिशियल मार्जिन है इसमें दो चीज़ें होंगी, स्पैन और प्लस एक्सपोजर। कल जैसे मैंने आपको दिखाया था जो मेरे ऑर्डर रिजेक्ट हुए, तो उसके अंदर वो एक टोटल हमें बता देते हैं कि हाँ भाई इतना चाहिए। पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पैन मार्जिन क्या होता है, तो ये लें जी, ये रहा स्पैन मार्जिन। स्पैन मार्जिन इज कैलकुलेटेड बाय स्टैंडर्डाइज पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इनका फुल फॉर्म पता होता है, स्टैंडर्डाइज पोर्टफोलियो एनालिसिस ऑफ रिस्क। इसके लिए वर्ड ये यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर और एप्स में। अ लीडिंग सिस्टम दैट हैज बीन अडॉप्ट बाई द मोस्ट ऑप्शन एंड फ्यूचर एक्सचेंजेस अराउंड द वर्ल्ड। स्पैन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेटेड सेट ऑफ एल्गोरिथम्स दैट डिटरमिन की मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये वॉलेटिलिटी को देख के ये सारी चीज़ों से ये नो डाउट करते हैं इसको कंप्यूट, स्पैन का मार्जिन मतलब तो इतना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने लिखा है कि मार्जिन आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा जितनी देर आप ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहेंगे। वैल्यू ऑफ इनिशियल मार्जिन वेरीज डेली एज इट डिपेंड्स अपॉन दी फ्यूचर प्राइस। मतलब फ्यूचर प्राइस में जो मूवमेंट आएगी, काइंड ऑफ ट्रेड आपने जो किया हुआ है लॉन्ग या शॉर्ट, इन सारी चीज़ों से आपके मार्जिन की रिक्वायरमेंट रोज चेंज होती जाएगी। भाई ध्यान से सुनना, फिक्स नहीं है कि एक बार पैसे डाल दिए तो बैठे रहें। नुकसान आपको हो गया, मार्जिन अकाउंट में बैलेंस नीचे आ गया, तो आपको और मार्जिन डालने के लिए भी कहा जाएगा। कल भी मैंने बताया था कि जब आपका मार्जिन कम होने लगेगा तो आपको क्या आएगा भाई, मार्जिन कॉल, और वहां आपको कहा जाएगा कि इतने फंड्स और ऐड करो अगर आप ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहते हैं, नहीं तो आपकी पोजीशन को ऑटो स्केयर ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब आपकी पोजीशन को खत्म कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हमने कल भी सुनी थी। देन उसके बाद उसने बताया कि वैल्यू ऑफ इनिशियल मार्जिन जो है वो फ्यूचर प्राइस पे डिपेंड करेगी। तो ये उसने एक फॉर्मूला भी बताया कि इस तरीके से हम अपना फ्यूचर मार्जिन जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखो जी, फ्यूचर्स को एंड करते हुए तो मैं आपसे कुछ बातें फिर करना चाहूँगा। फ्यूचर में एक चीज़ देखें बेटा, फ्यूचर्स में एक चीज़ आपको देखनी है, इनमें अनलिमिटेड अनलिमिटेड रिटर्न पॉसिबल है और अनलिमिटेड ही रिस्क है। मतलब पैसा आपका डूब भी बहुत ज़्यादा सकता है, दोनों चीज़ें अनलिमिटेड हैं, चाहे आप बायर हैं चाहे सेलर हैं। दोनों पार्टियाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर सकती हैं और बड़ा जबरदस्त लॉस भी हो सकता है। ये बात जब आपको समझ आ जाएगी मैं ऑप्शन में तब जा पाऊंगा। कैसे है देखें, मैं आपके सामने रखता हूँ इस चीज़ को। लाइक हमें ये लगा कि जो HDFC बैंक है ये आगे काफ़ी अच्छी मूवमेंट अपवर्ड दिखाने वाला है, तो हमने क्या किया, हमने HDFC का एक लॉट फ्यूचर में बाय कर लिया। ठीक है भाई, एक लॉट फ्यूचर में बाय कर लिया। मान लो एक लॉट में थे 1,000 शेयर, एक लॉट में 1,000 शेयर थे और 850 रुपये का रेट था पर शेयर। थोड़ी स्टोरी सी बना लेते हैं, 850 × 1,000, 850,000 रुपये की ये आपकी ट्रेड वैल्यू है भाई, ठीक है। अब इसका किया जाएगा 30% मार्जिन दिखाने के लिए। मान लो जी इसका 30% आपको इनिशियल मार्जिन रखना पड़ गया, ये आ रहा है कैलकुलेटर पर 255,000। अब कितना फायदा आपका हो सकता है ये आप नहीं जानते, ये आप नहीं जानते, और कितना नुकसान आपका इसमें हो सकता है ये भी नहीं आप जानते। अब मान लीजिए आपने यहाँ खरीदा,
और खरीदने के 2 दिन बाद ही 880 रुपये का हो गया। ये देखें 30 रुपये आगे, लॉट साइज है जी 1000 रुपये का, 1000 शेयर का सॉरी, 30,000 रुपये का फायदा हो गया। अब आपने 850 पे खरीदा, पहले अच्छा अच्छा देख लो, और वो 1000 का हो गया। ओ हो बेटा 150 रुपये बढ़ गया, 1000 का लॉट साइज है, 1.5 लाख रुपये कमा गया तू। तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड पे वापस आना चाहूंगा, अनलिमिटेड रिटर्न देखिए आपने, अनलिमिटेड रिटर्न। अब अनलिमिटेड लॉस और रिस्क के लिए भी तैयार हो जाओ। आपने 850 पे लॉन्ग किया, 850 पे लॉन्ग किया, HDFC नीचे गया स्पॉट पे, तो फ्यूचर में भी नीचे ही आएगा। अंडरलाइन का प्राइस डिक्रीजेस तो फ्यूचर की वैल्यू डिक्रीजेस। अब वो हो गया मान लीजिए सीधा 780, भैया जी 70 रुपये गए, 1000 के हिसाब से 70,000 रुपये का नुकसान आपने करवा लिया। मार्जिन अकाउंट में एक बड़ा छेद हो गया होगा 70,000 रुपये का। शायद आपका ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल भी दे दे कि बेटा और पैसे डाल। अभी और सुन लो, 850 पे लॉन्ग किया, मान लो ये 700 रुपये का हो जाता है, 150 पॉइंट गए। ये देखो जी, तो फ्यूचर्स कैरीज अनलिमिटेड रिस्क एज वेल एज अनलिमिटेड रिटर्न पोटेंशियल। देखा आपने लॉन्ग का। फिर आप में से कहीं की फरमाइश होती है कि सर शॉर्ट पे एग्जांपल लो। लो बेटा शॉर्ट पे लो, मेरे को कोई नफरत थोड़ी ना शॉर्ट से। लो शॉर्ट पे एग्जांपल लो, उसमें भी यही चीज प्रूव करता हूं। उठाओ कोई शेयर, SBI उठा लिया सर, सरकारी बैंक का ज्यादातर नीचे जाता रहता। तो SBI मान लो आपने 170 के लेवल पे था, वहां शॉर्ट कर दिया। छोटा शेयर है तो लॉट साइज बड़ा होगा, तो लॉट साइज मैंने मान लिया है कि 5000 है। अब मैंने शॉर्ट कर रखा है, मेरे को क्या प्रूव करना है कि अनलिमिटेड रिटर्न आ सकती हैं। मैं बता नहीं सकता, मैं लिमिट नहीं स्पेसिफाई कर सकता कि कहां तक रिटर्न जा सकती है, और अनलिमिटेड ही रिस्क है। पहले अच्छे की बात करते हैं, हमने शॉर्ट किया तो नेचुरल हमने टेक्निकल्स चेक किए होंगे, सारी एनालिसिस की होगी, हमें लगा होगा कि SBI यहां टूटने वाला है। तो हमारे शॉर्ट करते ही SBI 162 पे आ गया। नेचुरल है अगर यहां तक अगर हम देखें तो 8 रुपये का फायदा, 5000 शेयर के लॉट के हिसाब से 40,000 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा। और अच्छा करवा देते हैं सर, 155 पे आ गया, 170 पे शॉर्ट, 155 पे आ गया। यहां अगर हो जाए 15 रुपये का फायदा तो 5000 से मल्टीप्लाई 75,000 का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा। बोलो भी हो रहा है ऐसा? अब बुरा देखो, आपने 170 पे शॉर्ट किया, बड़े अच्छे आपने सारे एनालिसिस किए, बट कुछ ऐसी न्यूज आई मार्केट में कि SBI के लिए वो बढ़िया साबित हुई, गवर्नमेंट ने कुछ इसके अंदर ऐसा किया कि भाई विच चेंजेस द सेंटीमेंट, और एकदम से लोग इसको खरीदने लग गए। 170 से वो 178 हो गया। भैया अगर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो 8 रुपये गवा दिए तुमने। लॉट कितने का था सर? सर लॉट था 5000 का। 40,000 रुपये का फायदा जो पहले देख रहा था, अब वो नुकसान में बदल चुका है। अगर मान ले यहां से 190 हो गया, सीरीज के एंड तक तू रखी रखा, और मार्जिन कॉल आने पे पैसे भी देता रहा, 20 रुपये गए भाई, 5000 के हिसाब से कितना नुकसान, 1 लाख। तो दिस प्रूव्स, चाहे आप बायर ऑफ द फ्यूचर हैं, चाहे आप सेलर ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, चाहे आप लॉन्ग हैं, चाहे आप शॉर्ट हैं, आपके साथ जुड़ा है अनलिमिटेड रिस्क और अनलिमिटेड ही रिटर्न। अगर बात पक्की होगी तो कमेंट में लिख जरूर देना बेटा, कमेंट में साथ साथ लिख देना भाई कि भाई जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनमें अनलिमिटेड रिस्क रहता है और अनलिमिटेड रिटर्न की भी पोटेंशियल होती है। तो ये फ्यूचर आपका फ्यूचर बहुत बदल भी सकते हैं और ये फ्यूचर आपका फ्यूचर बर्बाद भी कर सकते हैं, तो ये बड़े रिस्की होते हैं। तो भाई इनकी इस कमी को दूर करने के लिए एक और चीज आई फिर, जिसे कहते हैं ऑप्शन, क्योंकि F&O है ना बेटा। अब हमारी बात शुरू होगी ऑप्शंस की, अब हमारी बात शुरू होगी ऑप्शंस की, जिसमें हम आज के इस स्टडी में ऑप्शंस में हम बात करेंगे कॉल ऑप्शन की, वैसे तो ज्यादा फिर पुट ऑप्शन पे भी बात करेंगे, पर कॉल ही काफी लंबी कहानी है, बेसिक टर्म्स हैं। आज एक इंट्रो टाइप रहेगी ताकि एक बार आप खुल जाओ। तो ऑप्शन को पहले मैं वैसे समझाता हूँ सिंपल में, इसमें भी दो पार्टियां होती हैं, एक को हम बोलते हैं बायर ऑफ द ऑप्शन, दूसरे को बोलते हैं सेलर ऑफ द ऑप्शन। सेलर को बाद में मार्केट की भाषा में राइटर भी कह दिया जाता है,
ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कॉल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? कॉल। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि आपको राइट टू बाय दिया जाता है, मतलब जो ये बायर है ना, इसके पास एक राइट होता है, राइट राइट मतलब हक होता है, हक, राइट टू बाय, खरीदने का हक। और ये राइट इसको किसने दिया होता है? सर, सेलर ने। ये ग्रांट करता है राइट, ये राइट ग्रांट करता है इसको, ये राइट देता है इसको। समझ रहे कि नहीं? थोड़ा इसको अच्छे से प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे। जैसे ये है ए, ये है बी, इन दोनों की नजर टीसीएस पे है। बी को लगता है कि टीसीएस ऊपर जा सकता है, सॉरी, ए को लगता है कि टीसीएस ऊपर जा सकता, बी को ऐसा नहीं लगता। अभी टीसीएस का जो स्पॉट रेट है मान लीजिए वो 1750 है। अब ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बातें सारी ध्यान से सुनते रहना, जिसमें बी ए को एक राइट देगा, इसके पास राइट आएगा, ये राइट ग्रांट करेगा, ये बायर होगा इस ऑप्शन का और वो कौन होगा? सेलर। अब वो राइट क्या है वो सुने। बी ए को कहता है कि भाई 1 मंथ के बाद मैं आपको टीसीएस 1800 रुपए पे बेच दूंगा, चाहे उदा मार्केट में रेट कुछ मर्जी हो, कुछ मर्जी हो। तो ए के पास एक राइट आ गया कि वो टीसीएस को 1800 रुपए पे बाय कर सकता है 1 महीने के एंड पे, चाहे उदा प्राइस बाद में कुछ मर्जी हो। मतलब अगर टीसीएस मार्केट में 3000 का भी हो गया, टीसीएस मार्केट में 2200 रुपए का भी हो गया, तो भी ए के पास एक हक है, वो अपना ये हक यूज करके बी से टीसीएस का शेयर सिर्फ 1800 रुपए में खरीद सकता है। बच्चे कहेंगे सर ये तो फिर पुरानी कहानी, आप वे फॉरवर्ड एग्रीमेंट में भी यही था। बेटा सुनते रहो, ये ऑप्शन है, ऑप्शन है, बड़ी अच्छी चीज है, सुनते रहो। एफ एंड ओ में एक बहुत बड़ा ट्रेड जो है ऑप्शंस का ही होता है रोज मार्केट में, फॉरवर्ड नहीं है, फ्यूचर नहीं है। अगर वो होता मैं तुम्हें पका थोड़ी ना रहा होता। स्टोरी पूरी सुनो। अब ए के पास में राइट है, राइट, नॉट द ऑब्लिगेशन। मतलब अगर अगर टीसीएस 1800 रुपए से सस्ता मार्केट में ही मिल रहा होगा तो ये अपना राइट क्यों एक्सरसाइज करेगा? वो मार्केट से नहीं खरीद लेगा। बात समझ रहे हो मेरी? अगर टीसीएस 1 महीने बाद मार्केट में 1600 रुपए का हो जाता है तो ए इज नॉट सपोज टू पे 1800 टू बी। ये कोई फॉरवर्ड एग्रीमेंट नहीं है, तभी तो राइट है, हक है उसके पास। तो देखें क्या क्या हो सकता है इसमें। 1 महीना बीत जाता है, 1 महीना बीत जाता है, टीसीएस महीने के अंत पे 1850 पे चला जाता। ए के पास कितने का खरीदने का हक था, कितने पे खरीदने का हक था? 1800 पे। ए आएगा, यस ए आएगा बी के पास, की गल अभी ते मेरे को ये 1800 है। ए को फायदा महसूस होएगा, यस सर। ए को लगेगा प्रॉफिट हुआ कि जो चीज मार्केट में 1850 की थी ए को कितने की मिल गई? 1800 की। ठीक। अब दूसरा सिनेरियो, 2100 रुपए का हो जाता है टीसीएस, 2100 रुपए का। ए के पास राइट कितने पे खरीदने पे? 1800। सर ए आएगा? यस सर, डेफिनेटली आएगा, 300 रुपए का प्रॉफिट। ओहो। अब 1 महीना बीता हुआ, टीसीएस तीसरा केस है ये, मैं आपको सिचुएशन यहां नंबर कर दूं, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन थी, नाउ दिस विल बी द थर्ड जो हम यहां डिस्कस करेंगे। टीसीएस मार्केट में 1620 रुपए पे मिल रहा है, ए के पास एक राइट है, बेटा उसके पास एक राइट है, हक है, जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, ड्यूटी नहीं है, एक ही ड्यूटी नहीं है कि ए जाके बी से 1800 में खरीदे। उसके पास क्या है? राइट। ए के पास राइट है, राइट। अगर राइट तभी एक्सरसाइज करना होता है जब तुम्हें अच्छा लगे। अगर आपको ये कहा गया कि 1800 पे खरीदो ही, फिर वो राइट थोड़ा ना हुआ, वो तो एक प्रॉमिस हो गया। तो अब ए कहेगा कि नहीं भाई, मैंने अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करना, ऑप्शन खरीदने की मैं लैप्स होने देता हूं, मैं लैप्स होने देता हूं, मैं यहां नहीं आऊंगा। ये फर्क है, देखो ध्यान से।
अगर नीचे गया तो ए को खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने 1800 के नीचे अगर जाता तो वो मार्केट से खरीद लेगा भाई, वो तुम्हारे पास क्यों आएगा? समझ पा रहे मेरी बात? तो यही कहीं अगर फ्यूचर होता, यही कहीं अगर फॉरवर्ड एग्रीमेंट होता तो आपका नुकसान हो जाता, आपको 1800 में खरीदना पड़ता। कंपेयर चलाओ, इसको दिमाग को चलाओ, थोड़ा सोचो, 2 मिनट, कूल माइंड, कूल माइंड, वीडियो पॉज करके शायद सोच लो कि अगर फ्यूचर होता तो 1800 पे भी लॉन्ग किया, मान लो 1620 आ गया, तो फिर एग्जिट तो करना पड़ता ना। दिस इज द डिफरेंस। यहां राइट दिया गया था, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया था कि खरीदो ही खरीदो। अब बंदा कहता कि फिर इसमें ए तो अगर फायदा होगा तो फायदा ले गया, नुकसान होगा तो बच गया, ये तो बड़ा चमत्कारी है। तो बी बेचारा बेवकूफ बैठा है कि जिसने ऐसा एग्रीमेंट कर दिया तो उस मासूम बंदे को कुछ भी नहीं मिला था, मतलब इस सारे में उसने वैसे ही आपको ये राइट दे दिया। नहीं सर, नहीं, कहानी पूरी कहाँ हुई है? कहानी तो अभी शुरू हुई है, ऑप्शन का तो पूरा संसार है। तो भैया बी जो होता है वो कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं आपको ये राइट दे रहा हूं, बदले में इसके लिए आपसे प्रीमियम चार्ज करूंगा, एक फिक्स फी होगी मेरी इस राइट की, जिसे प्रीमियम कहते हैं, वो मैं आपसे शुरू में ही ले लूंगा, एंड तक वेट नहीं करूंगा, एडवांस में ही, शुरू में ही पैसे रखवा लिए जाएंगे भाई, बाद में आपको राइट पसंद आए ना आए ये हमारी जिम्मेवारी नहीं। मान लीजिए ये सब करने के लिए बी ने ए से उस वक्त 30 रुपये चार्ज किए थे, तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कितना हुआ? 30 रुपये। अब इन्हीं सभी सिनेरियोज में मेरे साथ वापिस आए, तो अगर ए को लग रहा है कि 1850 वाली चीज वो 1800 में खरीद के 50 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, तो वो भूल रहा है कि 30 रुपये पहले दिए भी थे, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 20 रुपये। 30 रुपये प्रीमियम, इस राइट को खरीदने के लिए दिया गया प्रीमियम, पेमेंट फीस ये सब। अब अगर यहां उसे लग रहा है कि मुझे 300 का प्रॉफिट हो गया, ना बेटा मासूम, 30 रुपये पहले तूने दिए भी थे, नेट प्रॉफिट तेरा कितना हुआ? 270। फिर अगर उसे यहां लग रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, ना बेटा मासूम, तेरे को ऑप्शन में से कुछ नहीं मिला, पर 30 रुपये पहले तुम्हें दिए भी थे, तो नुकसान सिर्फ कितना हुआ? 30 रुपये का। इसीलिए कहा जाएगा बार बार कि जो ऑप्शन का बायर होता है, ध्यान से मेरी वर्डिंग पूरी सुनना, जो ऑप्शन का बायर होता है, ऑप्शन का कौन होता है? बायर, उसका लिमिटेड रिस्क होता है, बस वो इतना ही गवा सकता है जितना प्रीमियम है, जो प्रीमियम है मैक्सिमम नुकसान आपका इतना हो सकता है। अगर 1800 वाली ये चीज 1620 हुई भी तो आपका उसमें वो नुकसान थोड़ा ना हुआ, नुकसान सिर्फ कितना हुआ? प्रीमियम का। तो ये फ्यूचर से आपको दिखा कैसे डिफरेंट है? भैया आज कमेंट बॉक्स में सब लिखना है, फ्यूचर कैरीज अनलिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवॉर्ड, पहले हुई बात, वेयर एज जो बायर ऑफ ऑप्शन है, जो बायर ऑफ ऑप्शन है उसका लिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड रिस्क इज प्रीमियम, ये देखो अनलिमिटेड रिवॉर्ड्स हैं उसके पास, बायर ऑफ द ऑप्शन में रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। मेरे हिसाब से हमें इस कॉल ऑप्शन वाले एग्जाम्पल को और घुमाना चाहिए, और दिखाना चाहिए बच्चे को कि बेटा ऐसे होगा, क्योंकि ऑप्शन मैंने कहा जी बड़ी टर्म्स, बहुत कुछ टेक्निकल वर्डिंग है, वो सब मैं ऐसे आपको शुरू में नहीं दे रहा, पहले मैं आपके दिमाग को खोल रहा हूं कि जैसे कॉल ऑप्शन में और एग्जाम्पल लाके। कॉल ऑप्शन में दो पार्टियां होंगी, एक होगा बायर, ये रहा बायर, और दूसरा बंदा कौन होगा? सर सेलर। कॉल ऑप्शन क्या होती है सर? सर ये रिप्रेजेंट करती है राइट टू बाय, किसी चीज को खरीदने का हक। तो कॉल ऑप्शन वही बंदे खरीदते होते हैं जिन्हें उम्मीद होती है कि ये चीज ऊपर जाएगी, उसका प्राइस सिक्योर्ड करते हैं, और कॉल ऑप्शन वो बंदे सेल करते होते हैं जिन्हें उम्मीद होती है ये चीज ऊपर नहीं जा सकती। नाउ टेक दी अनदर एग्जाम्पल जस्ट टू गेट दी कॉन्सेप्ट, वो देर इज अ शेयर आईटीसी। अब आईटीसी की कॉल ऑप्शन ए ने बाय की, अब हम थोड़ा सा एक वर्ड यूज करेंगे, जैसे ये 160 की कॉल बाय की, इस 160 को पता क्या कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस, कि जिस प्राइस पे आपकी कॉल एक्टिव हो जाएगी, जिस रेट पे आप खरीदने का हक रखते हैं। इस कॉल को सेल किया बी ने, बी ने माया चार्ज की जिसे कहते हैं प्रीमियम, प्रीमियम उसने लिया उससे 8 रुपये। अब ए की सोच क्या होती है, ध्यान से सुने, दोनों पार्टियां एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ए की सोच ये होती है कि आईटीसी 160 को क्रॉस कर जाएगा, आईटीसी 160 को क्रॉस कर जाएगा और उसे अच्छा मुनाफा होगा क्योंकि वो इसे 160 पे खरीद पाएगा।
बी की सोच ये होती है कि ये 160 कभी क्रॉस नहीं होने वाला, और जो 8 रुपए प्रीमियम के आएंगे ये मेरी जेब में पड़े रहेंगे, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला। नाउ जी जो बायर है उसका लिमिटेड रिस्क है। जो ए है, ए जो है वो पे कर चुका है प्रीमियम। कितना प्रीमियम पे कर चुका है, हम एक ही शेयर के एग्जाम्पल पे समझेंगे, 8 रुपए। बस यही उसका रिस्क है, यही पैसा उसका डूब सकता और कुछ नहीं हो सकता। टेक द डिफरेंट सिनेरियोस, जिस तरह 5 सिनेरियोज मैं यहाँ रखता हूँ, प्राइस ITC के मूव करवाता हूँ ताकि आपको बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाए, फिर मैं सेलर के तरफ चला जाऊंगा। हमारा स्ट्राइक प्राइस है 160, सपोज दी ITC गोज अप टू 200 250, सपोज दी ITC कम्स टू 150 160 170। स्ट्राइक प्राइस प्लीज सर यहाँ सामने लिख दे बच्चों के, स्ट्राइक प्राइस बच्चों देख लो 160 है। नाउ यू आर दी ए, आप ए हो, बायर हो, आप बायर हो इसके, तो ये चीज आप खरीदने का ITC को खरीदने का हक रखते हो 160 पे, और मैंने कहा जी ITC का शेयर इन लेवल्स पे आ गया, तो सर यहाँ पे इस लेवल पे 200 का हुआ है, यहाँ पहले ये लिखेंगे कि एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं। यस हम एक्सरसाइज करेंगे, यहाँ भी एक्सरसाइज करेंगे अपने राइट को। यहाँ करोगे सर मार्केट में 150 का मिल रहा है, मार्केट के 150 का मिल रहा है, आप क्यों जा रहे हो 160 पे खरीदने, बोलो भी समझ रहे हो। नेचुरल है सर यहाँ हम नहीं एक्सरसाइज करेंगे, नो मतलब कि नो के बजाय हम लिख देंगे लैप्स, क्योंकि ये एक ऑप्शन है, जिम्मेवारी नहीं है। यहाँ सर इनडिफरेंस पॉइंट है, एक्सरसाइज करो चाहे ना करो एक ही बात है, क्योंकि मार्केट में भी 160 का ही है और वैसे भी आपको इसके जरिए भी 160 का ही मिलना है, यहाँ तो सर एक्सरसाइज करेंगे। तो 200 वाली चीज 160 में हम बाय करेंगे, यहाँ भी बाय करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, नो यहाँ बाय नहीं कर रहे, यहाँ करो ना करो एक ही बात है, तो मैं 160 लिख सकता हूँ, यहाँ करूँगा तो मेरे पास यहाँ प्रॉफिट आता है 40 रुपये, ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा। यहाँ आता है 90 रुपी, यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, और यहाँ 10 रुपये। पर मैं यहाँ बेटा इस बात का एंड नहीं करने वाला, आपको भी पता ही है कि मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो ग्रॉस है, पर बेटा प्रीमियम की भी तो कॉस्ट थी आपकी, 8 रुपये तो आपने पहले दिए थे, ये देखो। तो आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ इस सब में, आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ 32 रुपये सर, 82 रुपीज, -8 -8 और यहाँ 2। नाउ चेक थॉरली, जो बायर है ही हैज अ लिमिटेड रिस्क, उसका लिमिटेड रिस्क है, उसका नुकसान ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ कितना हो सकता है भैया, जितना प्रीमियम दिया, जितना प्रीमियम दिया, कितना प्रीमियम दिया 8 रुपये। अब इसी एग्जाम्पल को इन्हीं लेवल्स पे सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज कराया जाएगा कि जो राइटर है या कॉल का सेलर है उसकी स्टोरी अलग है, उसकी लिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड रिस्क है। तो भाई इस एग्जाम्पल को सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से करके फिर आज की क्लास का हम करेंगे एंड, ऑप्शंस की टेक्निकल बातें कल होंगी। ए और बी, दिस इज द बायर, ये कौन था, सेलर। अब भैया देखो जो सेलर होता है ना उसको प्रीमियम रिसीव हुआ होता है, उसके लिए ये इनकमिंग है, उसको पैसा आया हुआ है 8 रुपये। तो अगर बायर, अगर बायर ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो उसको बुरा लगता है। मैं पहले वो टेबल यहाँ बना लूँ ताकि मैं तुम्हें अच्छे से समझा सकूँ। मेरे पास 5 लेवल थे, मैंने वही प्राइस यहाँ कॉपी करने, 200 250 150 160 फिर 170। अब देखें यहां ऑप्शन एक्साइज होनी है, यहां भी ऑप्शन एक्साइज होनी है, यहां लैप्स होनी है, यहां इंडिफरेंस है, मतलब एक्साइज कर भी सकता और नहीं भी, और यहां एक्साइज होनी है। अब आप सेलर हैं, अब सेलर की सोच के अकॉर्डिंग चलना, अपने आप को सेलर मांगना। तुमने ए को एक राइट दे दिया था कि ITC का शेयर आके मेरे से भाई 160 का खरीद लियो, और उस राइट को ग्रांट करने के लिए तुमने उससे 8 रुपये का प्रीमियम ले लिया था। अब ITC 200 का हो चुका है, ए तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, कह रहा मुझे ये शेयर चाहिए चड्ढा, मुझे ये शेयर चाहिए, कितने में, 160 में, समझ रहे कि नहीं, तो तुम्हें ये शेयर देना पड़ेगा नहीं तो पिटाई होगी, समझे कि नहीं। तो यहाँ आपके पास 160 में ये शेयर देना पड़ेगा जो 200 का। अब आप सेलर हो तो आपका यहाँ पे जो लॉस हो रहा है इस वजह से,
40 रुपए का नुकसान हो रहा है, जब 250 का हो रहा है और आपको 160 में देना पड़ रहा है किसी को, पर 90 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आपको अच्छा लग रहा है कि अब वो आएगा ही नहीं, 160 पे था, 150 पे ग्रीन ने क्यों आएगा, तो यहां कोई नुकसान नहीं हो रहा। अब यहां वो आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां फिर आपका नुकसान हो रहा है, कितने पॉइंट का, 10। पर क्या ये गेम यही खत्म होती है? नो, ये आपका लॉस है। इससे पहले आपको इनकम तो हुई हुई है, प्रीमियम रिसीव आपने कर रखा, कितने का बेटा, हर केस में 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए। तो जो आपका नेट बोले तो ये आपका नुकसान, ये आपकी इनकम, नेट लॉस कितना हुआ, 32 रुपए। नेट लॉस कितना हुआ, 82 रुपीज। यहाँ 8 रुपए के फायदे में रहे आप, यहां भी रहे, यहां सिर्फ 2 रुपए। देखें बड़े ध्यान से देखें, जो सेलर है उसकी लिमिटेड इनकम है, लिमिटेड प्रीमियम इनकम, बस अगर ऑप्शन लैप्स हो जाए तो पूरा प्रीमियम अपने घर ले जाएगा, और अगर ऑप्शन एक्साइज होने लग जाए तो पता ही नहीं भाई कितना नुकसान करवा लेगा। देख लो इन नंबर्स को देखो अच्छे से, फिर यहां जो नंबर बने थे, यहां जो नंबर बने थे बायर के एंगल से, वहां आप देखें जहां बायर के पास प्लस है, ये देखें प्लस प्लस, ये प्लस, ये सब सेलर के लिए माइनस है, सेलर का वहां नुकसान हो रहा है। इसको अपनी कॉपी पे भी बना के देखना जरूर, जो मार्केट के अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं। तो फिर नलायक पार्टियां बैठी होती हैं, कहते सेलर फिर बेवकूफ होते हैं जो नुकसान करा लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, सेलर 90% ऑफ द टाइम पैसा कमाते हैं। सर ये ऑप्शन बेची वो जाती है ना जो ज्यादातर एक्साइज ही नहीं होनी होती, और निकलने का तरीका भी होता है, उस सब में हम कल डलेंगे। आज एक क्विक रिविजन के साथ एंड है, कॉल राइट टू बाय है, उसमें एक प्राइस होता है जिस प्राइस पे आपको खरीदने का हक मिलता है, उस प्राइस को क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस। फिर उसके बाद आपको उस हक को खरीदने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ रुपए देने पड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रीमियम। ये तो आप बायर हैं तो वो प्रीमियम आपके लिए खर्चा है, और जो आप सेलर हैं तो उस आपके लिए इनकम है। ये खरीदने का हक है, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस हक को तभी यूज करिएगा जो आपके फेवर में हो, मतलब कि अगर आपका स्ट्राइक प्राइस किसी चीज का, जाते हुए एक एग्जांपल और ले लो, 2500 रुपए है, तो आप 2500 रुपए पे इसे खरीदने का हक रखते हैं। हाँ वो चीज मार्केट में 2800 की हो गई है, 3000 की हो गई है, आप अपना हक यूज करो। पर अगर वो मार्केट में 2200 रुपए में मिल रही है, 2100 रुपए मिल रही है, किसने कहा है बाबू, किसने कहा है खरीदो जाके, रहन दो यार, समझे कि नहीं। यही तो फायदा है, फ्यूचर में ये फायदा नहीं है, वहां लॉन्ग कर दो, नीचे आ जाए तो नुकसान भुगतना पड़ता है भाई, यही कॉल का फायदा भाई, यही मजा है इसके अंदर कि इसमें मैक्सिमम फटका कितना लगेगा, प्रीमियम जितना, वो पहले ही पता है जो आप बायर हैं, और जो आप सेलर हैं तो भी आपको पहले ही पता है कि मैक्सिमम इनकम प्रीमियम जितनी ही हो सकती है। ठीक है बेटा, जो जो बोला गया वो कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए, अच्छे बच्चे सारे वो चीज फॉलो कर रहे हैं, बाकी भी फॉलो करो, शाबाश, और रिस्पॉन्स लाओ, इस तरह एनर्जी बनी रहे। ओके जी, बाय बाय।